चलो जी, हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में। तो गाइस हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ लोग कुछ कुछ अविश्वसनीय। तो गाइस आज हम अविश्वसनीय चीज करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा एक बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास वाहियात शायरी। वाह, हर काम में मुक्ति कर देती है मुझे लेट। वाह, हर काम में मुक्ति कर देती है मुझे लेट। और आज हम ट्राई करने वाले हैं कैडबरी की बहुत ही ज्यादा अजब गजब चॉकलेट। गाइस हम दुनिया भर से इकट्ठी करके ले आए हैं डेयरी मिल्क के ऐसे ऐसे फ्लेवर जो भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ किसी ने नहीं देखा। कैडबरी की मंडी लगी हुई है आज यहाँ पे। इतनी सब्जी और फ्रूट्स की वैरायटी आपको मंडी में नहीं मिलेगी जितनी हमने यहाँ पे कैडबरी की इकट्ठी करके रखी हुई है। सच में मेहनत बहुत ज्यादा लगी है आपको ना, हम कहना चाहेंगे पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, हम इतने ज्यादा एफर्ट्स करते ना, प्लीज खुद ब खुद लाइक कर दिया करो। और अगर आपने जिंदगी में कैडबरी की चॉकलेट खाई है तो कमेंट करके बताओ आई लव कैडबरी। ज्यादा टाइम वेस्ट करते करते वीडियो शुरू। प्यार है वो है इनकी स्टैंडर्ड डेरी मिल्क और इनकी सिल्क। सही बात, मैं तो कह रही हूँ इसे खाते और अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं फिर से कुछ मीठा हो जाए। तो गाइस एक और चीज बताऊँ, डेरी मिल्क से हमें इतना प्यार क्यों है? क्यों है? क्योंकि बचपन में डेरी मिल्क एक ऐसा ब्रांड था जो 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हर वैरायटी में चॉकलेट देता था। मतलब यार इसका स्वाद ना बेस्ट। कमेंट कर दो दैट यू लव कैडबरी। स्पेशली कैडबरी चॉकलेट खाने का मजा पता क्या है? जब आपकी चॉकलेट थोड़ी सी पिघली पिघली, सिल्क भी खिला दो यार। सिल्क आई थी थोड़ी सी बाद में, बट सिल्क ने एक रेवोल्यूशन ला दिया गिफ्टिंग के उसमें। वैलेंटाइन के टाइम पे इस चॉकलेट की बिक्री जो है ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ की हर आशिक अपनी आशिकी को कैडबरी की चॉकलेट तो पक्का देता है यार। ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर जाती है, दिस इज ऑफ ₹75। और वो वाली जो हमने खाई थी वो 40 रुपए की थी। ओ, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मॉडल आ चुके हुए हैं। बबली चबली टबली ओरियो। चीयर्स चीयर्स। मतलब पहले मुझे नॉर्मल वाली कैडबरी बेस्ट लगती होती थी, बट सिल्क के आने के बाद से ये वाली चॉकलेट मेरी फेवरेट। मुझे कैडबरी ही अच्छी लगती है बेसिक वाली, लाइक बेस्ट। सिल्क में ना एक हल्का सा अलग सी हमक है जो कि बहुत उसको फ्लेवरफुल और बना देती है चॉकलेट, तो वो चीज उसकी अच्छी है। बस बेसिक चॉकलेट तो बहुत हो गई, अब बारी आ गई है कुछ अनोखा खाने की और आपको दिखाने की। यस, रोज जाया करो जिम, जिम जाके बना लो एक डोला। और गाइस आज हम ट्राई करेंगे सबसे पहले क्रंची कोला। अब देखिए ये कितनी ज्यादा क्रंची और इसमें कितना ज्यादा कोला डाला हुआ है। भाई ये तो इम्पोर्टेड भी नहीं है, इनका कोका कोला के साथ तालमेल चल रहा है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, इसकी कीमत है मात्र 45 रुपीज। और ये फ्लेवर मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे निकाला, क्या सोचा कि कोका कोला को ऐड कर दो कैडबरी डेयरी मिल्क में। मैं इसकी खुशबू सूंघो। काश हम आपको वीडियो के इसके खुशबू सुना सकते। मैं आपको समझा सकता हूँ, एक कोला फ्लेवर की ना टॉफी आया करती थी, वो सेम डिट्टो ऐसी स्मेल होती थी। ओ यार वाया, खुशबू सच्ची बिल्कुल कोला वाली है। लिटरली इन्होंने ना ओवरनाइट ऐसा लग रहा है कोका कोला में कैडबरी डेयरी मिल्क डुबो दी, डिप करके रखी थी। पर ठीक लगी मुझे, मतलब ऐसे कुछ ज्यादा वाव वाली फीलिंग है, इसको हम दोबारा तो नहीं खरीदेंगे, बट ठीक है ट्राई करने के लिए ओके है। मैं एक चीज बोलूं, एक बार ना इसको खरीदना बनता है, उसकी खुशबू सूंघना बनता है। सही बात है, बीच में हल्का सा क्रंच भी है। सही बात है, मुझे अच्छी लगी। अगली चॉकलेट का नहीं दूंगा मैं कोई हिंट, सीधा ही बता देता हूँ, ट्राई करने लगे पेपर मिंट। ओए होए होए होए, देखो अगर आपको कभी माउथ फ्रेशनर चाहिए और मिल नहीं रहा है, बाई चांस वहाँ पे चॉकलेट पड़ी है पेपर मिंट फ्लेवर की, आप ले सकते हो। वाह, अभी हम बताएंगे कि क्या ये आइडिया सही होएगा या नहीं। यार ये इंपोर्टेड चॉकलेट की ना पैकिंग जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने सौखी करी होती है, बस ये एक कोने से पकड़ना है, एक कोने से पकड़ना है, ऐसे खींचना, और जैसे मम्मी कान खींचती है ना पिटाई करने में वैसे खींचना है बस। और जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा आपको अचंभित कर देगा क्योंकि है वो 575। एक्सपेंसिव, आप मिंट वगैरह खरीदना ही मत, सीधा गंदे मुंह के साथ चले जाना, जा जाना है। ट्राई कर, इसका भी रंग सेम ही है। चीयर्स करना होता है, खुशबू सूंघो यार। ओ नहीं ओ नहीं, अंदर 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 ध्यान से देखो, हरे रंग का ट्रेजर है। मैं तोड़ के दिखाता हूँ, रुको इसके, ये देखो। ओए ओए, ये जेली टाइप है। ओए भाई साहब, ये कैसा अजीब सा गुई सा लग रहा है। खुशबू है पेपरमिंट की, ऐसे देखो मिंट वाली। Wow. सही कह रहे थे तुम, माउथ फ्रेशनर भी है ये। सच में माउथ फ्रेशनर है, बहुत अंदर से ठंडा है, रिफ्रेशिंग है। देखो इम्प्रेस हम हो चुके हुए हैं। एक सीधा मुद्दे की बात, ये खा के तुम्हें लग रहा है कि तुम चॉकलेट खा रहे हो? हाँ लग रहा है।
मुझे तो लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मतलब मैं फुकरी मारने में दिस इज सो गुड। देखो आफ्टर टेस्ट में नहीं लग रहा, क्योंकि आफ्टर टेस्ट में सिर्फ मिंट का फ्लेवर आ रहा है। देखिए जब खा भी रहे हो ना आप, क्योंकि मिंट का इतना ज्यादा बोल्ड लाउड फ्लेवर है, लग ही नहीं रहा है कि चॉकलेट खा रही है। अच्छा है यार, इसको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको पता है इसे चॉकलेट खाई है। असली में प्रेटी ने ब्लाइंड फोल्ड करके खाओगे ना आपको लगेगा नहीं आपने चॉकलेट खाई है। बट ये टेस्टी है, अच्छी है, गुड है, बट 575 की बहुत ज्यादा महंगी है, पर गिफ्ट देने के लिए परफेक्ट है। आने वाला है फूडी का गाना और हम जल्द ही बनने वाले हैं सिंगर। है। है। सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रही, सच्ची में फूडी का गाना आने वाला है। और अगली चीज जो हम ट्राई करने लगे हैं वो है डेरी मिल्क फिंगर्स। यार डेरी मिल्क ने ना मार्केट में प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए बहुत ही ज्यादा धड़ाधड़, और बाकी ब्रांड्स ने भी कर दिए, तो इनको भी मजबूरन निकालने पड़े हैं। पेप्सी के अंदर से क्या निकलता है? उंगलियां। डेंट। उंगलियां गायब हो गई। आगे आगे आगे, टेढ़ी मीठी उंगलियां है ये तो, टूट गई थोड़ी तो। ये जिन वर्कर्स ने अच्छे से काम नहीं किया उनकी उंगलियां काट दी गई है। उंगलियां हटाने के लिए इस साइड से किटकैट है, इस साइड से गोलू है। चलो ट्राई करके देखते हैं, इससे डांडिया भी खेल सकते हो अगर आप डांडिया नहीं। चलो भाई, मैं किटकैट नहीं है, ये अंदर से क्रंची नहीं है, इसके चॉकलेट ही है, बस शेप ऐसी है, हल्का से ऐसा लग रहा है कि वाइट चॉकलेट है, बहुत हल्का सा। पर इसका प्राइस क्या है? ये भी इंपोर्टेड ही लग रही है मुझे। तो ये जो फिंगर्स मिल्क चॉकलेट का प्राइस है वो है मात्र 600। और मैं कहना चाहूंगा ये कैडबरी की जो उंगलियां है ना, मुझे कुछ ज्यादा यूनिक नहीं लगी, मतलब फ्लेवर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीटी एवरेज, टेक्सचर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीटी एवरेज, तो ये मैं नहीं सलाह दूंगा। नहीं। इससे अच्छा वो न्यूटेला वाली स्टिक्स आती है ना, उसको डिप करके खा लो, बहुत गजब। और ये 600 से कंपैरेटिवली वो सस्ती होती है। सही बात। लड़कियों को जब नहीं होता धोना अपना मुंह, तो वो मुंह पे रगड़ लेती है वाइप। अगली चॉकलेट जो हम खाने वाले हैं वो है चेरी राइप, और ये है कोई ओल्ड गोल्ड सीरीज, जिसमें कैडबरी बताना चाह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी कंपनी है और उनकी चॉकलेटें गोल्ड से कम नहीं है। इसके भी आपको बस कान पकड़ने हैं दोनों साइड से और खींच देने। नंगा कर दिया चॉकलेट को। छी 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 छी। डार्क चॉकलेट इसका नाम है, और डार्क चॉकलेट में राइप चेरी फ्लेवर, बड़ा गजब लग रहा है। राइप क्या होता है? राइप मतलब पकी हुई चेरी। अच्छा, जो खराब हो जाती है। ठीक भी हो सकती है राइप चेरी, और बड़ी सॉफ्ट है ये। ये बहुत स्वाद है। Nice. इसका पता कैसा फ्लेवर है? ब्लूबेरी चीज़केक। हाँ, जैसे चॉकलेट के ऊपर ब्लूबेरी का वो लगा दिया सिरप। देखो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज डार्क चॉकलेट विद चेरीज, एंड वो सच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये अच्छा बहुत स्वाद है। हम हैं इंडिया के नागरिक और इंडिया है बेस्ट नेशन। अब हम ट्राई करेंगे ये मार्वलस क्रिएशन। ये चॉकलेट की कीमत है 575 रुपीस, और मेरे ख्याल से जिंदगी में मैंने एक बार ये ट्राई करी है। इसके अंदर ना क्रंच क्रंच हो जाता है। ओ भाई साहब, ये तो नहीं खाई हूं कार तुमने? नहीं, इतनी बड़ी नहीं खाई, छोटी खाई थी मैंने, पर ये तो ऐसा लग रहा है किसी शहर का नक्शा है, सेक्टर कटे हुए यहाँ पे, और इसके ऊपर भी ना टेक्सचर बना हुआ है, बहुत पतली पतली लाइंस बनी हुई है। ओए, अंदर तो जेम्स डाल दी, वो सच्ची में जेम्स डाल दी, पूरी पूरी जेम ही डाल दी अंदर। मामला बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को अपने बर्थडे गिफ्ट में दे दी, खुश हो जाएंगे। हो गए पटाखे, दिवाली पे खाने वाली चॉकलेट आई है तो मुंह में पटाखे फटने शुरू। इसके लिए पहले थोड़ी देर खाओ, मुंह बंद करो और ध्यान से सुनो। ये चॉकलेट बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत मजेदार और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, एक बारी सच में ट्राई करना, अच्छी लगेगी आपको। कबड्डी खेलते वक्त हम करते हैं कबड्डी 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 कबड्डी। अगली चीज जो हम खाने लगे हैं वो है डेरी मिल्क क्रिस्पी रबड़ी। रबड़ी 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 45 रुपीस की चॉकलेट। तो फटाफट इसको खोलते हैं। चीयर्स भाई, खुशबू आ रही है पूरी खोए वाली। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है खोया ही सूंघ लिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पता नहीं कहाँ से ये खुशबू लेके आ रहे हैं, कैसे मतलब सच्ची में ब्लाइंडफोल्ड चैलेंज है और मेरे नाक के पास ये, मुझे सच में लगेगा कि खोए की बर्फी या रबड़ी है। सही बात है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू ईट दिस। ये पता कैसी लग रही है? कभी आप शॉप पे जाओ ना मिठाई वाली, उधर चॉकलेट बर्फी पड़ी होती है, वैसा फ्लेवर है भाई। पर इसका नाम ना, हाँ, अगर इसका नाम ये रबड़ी की जगह क्रंची चॉकलेट बर्फी कर देते, चॉकलेट बर्फी आई थिंक ये ज्यादा चलती थी। मैं दोबारा नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे तो सेल्स ज्यादा अच्छी लगती है। जब मैं बचपन में करता था ड्राइंग, नहीं बनती थी मेरे से हट। वाह,
पिटे वो अगली डेरी मिल्क है हमारी डेरी मिल्क खोल लट। देखो जी ये मंच के साइज की चॉकलेट की कीमत है 120 रुपए। ये लो भाई इसको एक बार खोलते हैं। बहुत ही डिफरेंट पैकिंग वाली कैटेगरी की चॉकलेट है। अभी तक हमने जितनी भी ट्राई करी उनकी सबकी शेप ऑलमोस्ट सेम सी। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि होल नट का मतलब इसमें पूरे पूरे नट्स के पीस जो कि हमें दिख रहे हैं पीछे, काफी यूनिक दिख रही है यार। पीछे तो देखा, पीछे ये देखो यहाँ से यूनिक लग रही है। एक तोड़ते हैं इसको, कुछ नहीं निकला अंदर से। वेरी गुड। ये लो भाई मुझे भी लग रहा है कि इसमें हेजलनट डाले हुए पूरे पूरे। फरेरो रोशर महंगी लग रही है ना, ये ले लो। नहीं फरेरो रोशर की अलग अलग फील है यार। नहीं फरेरो रोशर के साथ नहीं कंपेयर किया, वो तो फरेरो रोशर जैसी लगी। नहीं यार फरेरो रोशर क्रंची होती है बाहर से, फिर उसके अंदर सॉफ्ट चॉकलेट होती है, फिर एक हेजलनट होता है। ये तो नॉर्मल चॉकलेट है। नहीं अगर आपको हेजलनट का फ्लेवर अच्छा लगता है चॉकलेट में तो दिस इज गुड, बट कॉस्टली है बहुत। नहीं कॉस्टली है ये, मुझे ठीक नहीं है। नहीं पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा, बट नहीं नहीं अगर ये 30-40 रुपए की होती तो बहुत अच्छा। फिर ठीक होती है। येलो येलो होता है डर्टी फेलो। वाह अब हम ट्राई करेंगे चॉकलेट जिसका नाम है कैरामेलो। खुलिए में सेम जैसे कैडबरी की इम्पोर्टेड चॉकलेट है वैसी है, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। ये हर एक जो ये टोटा देख रहे हो ना प्लॉट कटा हुआ है, इसके अंदर कैरामेल भरा हुआ है। सच्ची कैरामेल। देखो ये तो अच्छी होनी थी, मतलब मीठे में और मीठा डाल दिया तो कसर क्या बची। सेम सिल्क में भी आती है, सिल्क कैरमल। बट ये वाली मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, पता नहीं क्यों। चॉकलेट की क्वालिटी में भी बेटर है। पता है क्यों बेटर है? क्योंकि जो सिल्क वाली कैरमल है ना उसमें थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है। हाँ 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 इसमें मीठा जो है ना थोड़ा सा कम है। और मामा मियां एंड गर्ल बात हो गई हुई है। ये 575 से 600 रुपए के बीच की है, अच्छी है। अगली चॉकलेट जो शायद मेरी फेवरेट होने वाली है वो है कैरामिल। मतलब इसने ना जज बुक बाय इट्स कवर कर दिया हुआ है, मतलब बाहर से देख के बता दिया हुआ है कि भाई ये मेरी फेवरेट होने वाली है। मुक्ति तू जरा चॉकलेट खोल और मैं पेश करना चाहूंगा तेरे से भी ज्यादा गंदी शायरी। इम्पोर्टेड चॉकलेट्स में नहीं आती है सिल्क, कोई बात नहीं आती है ये इम्पोर्टेड कैरामेल। मुझे ये लग रहा है जिसकी ऐसी बाहर शक्ल बनी हुई है ना ये गोरी होने वाली है। मुझे लग रहा है गोल्डन होगी, बट यो है जी गोल्डन चॉकलेट। गोल्डन चॉकलेट ये है मिक्स सॉस पास्ता की तरह, मिक्स चॉकलेट वाली चॉकलेट। सही बात भाई, व्हाइट ब्राउन सब मिक्स कर दिया, ऐसा कलर आ गया। तो ये लो अपनी अपनी उठाओ। मैं ना एक चीज कहना चाहूंगा, आज ये वीडियो बनाते बनाते हमारे पास चॉकलेट बहुत ज्यादा बच चुकी हुई है, तो हम एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी वीडियो करना चाहेंगे जिसमें हम इन सारी चॉकलेट्स को मिला के एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत की चॉकलेट बनाएंगे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर दो। As expected के अंदर फिलिंग नहीं होगी। This is salted caramel. बहुत हल्का सा। Unique सा फ्लेवर है। बहुत अच्छा लग रहा है। Good thing is that it is very buttery. जो कि बहुत अच्छी फील है। ये ना लास्ट वाली चॉकलेट थी एक्चुअली वो नॉर्मल चॉकलेट में वो डाले, ये व्हाइट चॉकलेट में कैरेमल। व्हाइट चॉकलेट में है और बहुत अच्छी बात। उसमें जो वो कैरेमल बीच में मेल्टेड होती है उसकी अलग फील है, इसकी अलग फील है। इसका आफ्टर टेस्ट बहुत ही, ये बहुत टेस्टी है, वेरी टेस्टी। डॉक्टर को अगर आपने रखना है अपने से दूर तो हर दिन खाया करो एक एप्पल। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और अगला फ्लेवर हमारा है बहुत ही अद्भुत, ट्रॉपिकल पाइनएप्पल। जिस बंदे को पाइनएप्पल पसंद भी है ना उसे ये चॉकलेट नहीं पसंद है। पाइनएप्पल का फ्लेवर ही है क्या ही है? ये तो लग रही है। नहीं इसके अंदर पाइनएप्पल फ्लेवर की स्क्वैश डाली हुई है और वो नहीं अच्छी। मुझे तो नहीं ओकार, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, दिल में मत रखना ये भ्रम। अगली चॉकलेट हम खाने लगे हैं बबली बबल गम। ये वो है कि खुशी दे के बाद में दे दिया मुझे इसने गम। गम दे के बाद में खुशी दिया और ये है मात्र 80 रुपए की। लड़कियों को ही बबल गम फ्लेवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हमें नहीं, मुझे नहीं पसंद। ये पीछे पूरी बबल गम ही है, इन्होंने प्लॉट भी अच्छे काटे, पूरी अंदर बबल गम ही है। कैसा भाई? ये वो वाली बबल गम है जो गुब्बारा नहीं भर रहा मुंह से, फ्लेवर वही है बूमर वाला। बूमर वाला सेम बूमर वाला तो लगी नहीं रही। नहीं मेरे को नहीं अच्छी लगी, मजा आ रहा है। इनको अंदर असली बबल गम डालनी चाहिए थी कि उसको चूसने के बाद गुब्बारा फुला पाओ। देखो बबल गम फ्लेवर की चॉकलेट मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ट्राई करी होगी। हाँ आप कमेंट करके बताओ आपको अच्छी लगी
या नहीं? मुझे तो नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी नहीं लगी। गाने सुनने पसंद है ऑफ मुझे मार्शमेलो। गाने सुनने मार्शमेलो बोला है मैंने, लता मंगेशकर नहीं बोला है। मेरी शायरी की फील ना मारो। गाने सुनने पसंद है मुझे ऑफ मार्शमेलो। चॉकलेट हम खाएंगे ऑफ मार्शमेलो। नहीं नहीं, क्रिस्पेलो। क्रिस्पेलो ये जो चॉकलेट है मुझे लगता है कि किट कैट का कैडबरी वर्जन है। अब जरा एक बार खोल के देखते हैं। प्राइस है इसकी ओनली ₹30। इंडियन चॉकलेट है ये, तो इसका खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकियों से। जैसे कि मैंने आपको कहा था, सुनते वेफर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ना इन्होंने कुछ क्रिस्पी कुछ है। यस उमर। मुझे ठीक ठीक लगी। तो मुझे भी ठीक ही लगी। तो किटकैट खाने वाले वो किटकैट ही खाएंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है। ये उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी है और कॉपी करने में हो चुके हैं वो नाकामयाब। तो गाइस चॉकलेटें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, परंतु हमारी हो चुकी है बस। भाई साहब और मीठा जो है ना खाया नहीं जाएगा, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाके हो जाना पड़ जाएगा हमको एडमिट। तो आज की वीडियो यहीं पे करेंगे खत्म। कैसी इस वीडियो पे 111,000 लाइक्स आएंगे। शगन exactly, 111,000 का फटाफट शगुन डाल दो वीडियो को लाइक करके। कितना इजी है। हाँ, वाह, वो लाइक से पूरे हो जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट टू। तो जल्दी से हर कोई लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज 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 जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने इसमें से कौन कौन सी चॉकलेटें नहीं देखी आज तक वो भी बता देना। हाँ, कौन सी देखी है वो भी बता देना, कौन सी खाई है वो भी बता देना। इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, फूडी वी के नाम।